हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक माय न्यू वीडियो। आज हम इस वीडियो में चार डिफरेंट वेब ब्राउज़र की स्पीड को टेस्ट करने वाले हैं कि कौन सा वेब ब्राउज़र हमें सबसे बेहतर स्पीड को प्रोवाइड कर रहा है। एंड जैसे कि मैंने यहाँ पर चार वेब ब्राउज़र आगे सामने रखे हैं, सबसे पहले यहाँ पर गूगल क्रोम है, सेकंड नंबर पर मैंने माइक्रोसॉफ्ट एज ब्राउज़र को रखा है, और थर्ड नंबर पर फायरफॉक्स ब्राउज़र को, और फोर्थ नंबर पर ब्रेव ब्राउज़र को। आज हम इन चारों वेब ब्राउज़र की इंटरनेट की स्पीड चेक करेंगे कि कौन सा ब्राउज़र हमें सबसे बेहतर इंटरनेट की स्पीड प्रोवाइड कर रहा है। मैंने यहाँ पर नोट पैड में कुछ वेबसाइट रखी हैं जिनको सर्च करके हम इन चारों वेब ब्राउज़र की स्पीड को टेस्ट करेंगे। वैसे ब्राउज़र की स्पीड आपके इंटरनेट की स्पीड और आपके हार्डवेयर पर भी डिपेंड करती है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि कौन सा वेब ब्राउज़र हमें सबसे बेहतर स्पीड प्रोवाइड कर रहा है। तो मैं यहाँ पर नोटपैड को ओपन करूँगा, और यहाँ पर सबसे पहले अमेज़न की वेबसाइट, जो कि एक शॉपिंग वेबसाइट है, इसे सबसे पहले सर्च करके चारों वेब ब्राउज़र में चेक करूँगा। तो सबसे पहले मैं ऐसे गूगल क्रोम में सर्च करूँगा। गूगल क्रोम में सर्च करने के बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 2.5 सेकंड में इसने गूगल क्रोम ने अमेज़न की वेबसाइट को मुकम्मल तौर पर ओपन किया है। और इसके बाद माइक्रोसॉफ्ट एज में इसको टेस्ट करेंगे। माइक्रोसॉफ्ट एज में जैसे ही हमने इसको सर्च करेंगे तो यहाँ आप देख सकते हैं 3.67 सेकंड में इसने ओपन की है इस वेबसाइट को। इसके बाद हम फायरफॉक्स में इस वेबसाइट को सर्च करेंगे। जैसे ही हम फायरफॉक्स में amazon.com को सर्च करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 2.5 सेकंड में इसने मुकम्मल तौर पर सर्च कर लिया है। यहाँ पर अभी तक गूगल क्रोम और फायरफॉक्स की जो सर्चिंग टाइम है वो बिल्कुल सेम रही है। इसके बाद हम इसी वेबसाइट को ब्रेव ब्राउज़र में टेस्ट करेंगे। तो जैसे ही हम इसको ब्रेव ब्राउज़र में सर्च करेंगे तो आप देख सकते हैं 2.9 सेकंड में इसने ओपन किया है। तो इन चारों वेब ब्राउज़र में फायरफॉक्स और गूगल क्रोम ने सेम टाइम में इस वेबसाइट को ओपन किया है। तो चलिए हम एक और वेबसाइट को इन चारों वेब ब्राउज़र पर टेस्ट करते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर एक और वेबसाइट को कॉपी करूँगा, apple.com। अब apple.com को हम इन चारों वेब ब्राउज़र में सर्च करके इनका टाइम देखेंगे। तो सबसे पहले मैं इसे गूगल क्रोम में सर्च करूंगा। जैसे ही मैं इसे गूगल क्रोम में सर्च करूंगा तो आप देख सकते हैं कि 2.2 सेकंड में apple.com को क्रोम ब्राउज़र ने ओपन किया है। इसके बाद हम इसी वेबसाइट को माइक्रोसॉफ्ट एज में सर्च करेंगे। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट एज में इसका जो सर्च टाइम है वो 2.4 सेकंड है। तो इसके बाद हम इस apple.com इसकी ऑफिशियल वेबसाइट जो है इसको फायरफॉक्स में सर्च करेंगे। जैसे ही हम इसको फायरफॉक्स में सर्च करते हैं तो इसके बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 3.1 सेकंड में फायरफॉक्स ने इस वेबसाइट को ओपन किया है। तो लास्ट में हम apple.com को ब्रेव ब्राउज़र में सर्च करेंगे तो यहाँ पर अभी आप देख सकेंगे कि 2.14 सेकंड में ब्रेव ब्राउज़र ने apple.com को ओपन किया है। तो यहाँ पर सबसे जल्दी ब्रेव ब्राउज़र ने इस वेबसाइट को ओपन किया है। तो चलिए हम एक और वेबसाइट को टेस्ट कर लेते हैं इन चारों वेब ब्राउज़र पे। जैसे कि मैं यहाँ पर microsoft.com को इन चारों वेब ब्राउज़र में सर्च करेंगे तो सबसे पहले मैं यहाँ गूगल क्रोम में सर्च करूँगा। गूगल क्रोम में microsoft.com को सर्च करने के बाद आप देख सकते हैं 2.72 सेकंड में गूगल क्रोम में माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट को ओपन किया है। अब यही वेबसाइट मैं माइक्रोसॉफ्ट एज में सर्च करूँगा। जैसे कि यहाँ पर मैं इसे सर्च करूँगा तो आप देख सकते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट एज में microsoft.com की वेबसाइट को 1.23 सेकंड में इसने ओपन किया है। तो अब तक का सबसे कम टाइम यही रहा है। तो अब हम इसी वेबसाइट को फायरफॉक्स में सर्च करेंगे। जैसे ही हम इसे फायरफॉक्स में सर्च करते हैं तो आप देख सकते हैं 2.5 सेकंड में फायरफॉक्स ने microsoft.com को ओपन किया है। और लास्ट में हम इसी वेबसाइट को ब्रेव ब्राउज़र में सर्च करेंगे तो आप देख सकते हैं कि 2.77 सेकंड में इसने ओपन किया है। तो इन चारों वेब ब्राउज़र में सबसे वो फास्ट रहा है अभी माइक्रोसॉफ्ट एज रहा है। ब्राउज़र की स्पीड आपकी इंटरनेट की स्पीड और आपके हार्डवेयर पर भी डिपेंड करती है। तो बहुत शुक्रिया आपका मेरी वीडियो देखने के लिए। मज़ीद इस तरह की वीडियोज़ के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।